हेलो गाइस, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं रिलायंस डिजिटल और देखिए हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। और भी चीज़ें हैं तो देखने में अच्छा लगता है, तो बस हम लोग यहाँ घूम रहे हैं और हमने जो चीज़ लेना था वो चीज़ तो ले लिया है। अब आपको आगे ही पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ मिला है गिफ्ट में, हस्बैंड ने दिलाया। तो हम यहाँ बाहर बस अब जाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हमें क्या मिला है। और बस अब हम बाहर निकलेंगे और उसके बाद में हमने जो लिया है ये देखिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि इतने से बैग में क्या चीज़ है। तो जी हस्बैंड ने दिया है हमें गिफ्ट में मोबाइल और हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन गार्ड वगैरह लगवाना है तो पास में ही शॉप है तो बस यहाँ आ गए हम लोग लगवाने के लिए, से क्योंकि ओपन करके ही दिखाया तो शॉप वाले ने, तो सोचा लगवा लेते हैं। आज जाके लेके आए रिलायंस से और हुआ ये पकड़िए। और इसका वो भी कर लिया ना, स्क्रीन गार्ड वगैरह भी लगवा लिया, वहीं पास में था रिलायंस के तो स्क्रीन गार्ड लगवा लिया। और ये ऐसा है पीछे का और ये A33 है सैमसंग, ये हो गया। और फिर यहाँ से वहां फिर जाना पड़ता, फिर यूज करते तो खराब हो जाता। ये कवर मिला, वो कवर ही नहीं मिला, ट्रांसपेरेंट सोच रहे थे फिर, क्योंकि इसका लुक खत्म हो जाता ना इसके अंदर लगा देने से, तो ट्रांसपेरेंट मंगवा लेंगे, ऑनलाइन मंगवा लेंगे। तो जी ये बर्थडे गिफ्ट है हमारा और साथ जाके लेके आए, बाकी कल हो जाता लेकिन नहीं मिल पाया, सोचने में टाइम लगा कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, थोड़ा सा इसलिए। चलिए फिर चार्जर भी दिया लेकिन ना इसमें साथ में, बोल बताओ कहाँ से खुलेगा ये चार्जर है इसको वो था ना। हेलो गाइस, अभी बजा है दिन का 4:30 बज चुका है और हम अभी कॉफ़ी वगैरह पी लिए हैं। हुआ ये कि आज हमने जल्दी कॉफ़ी पी ली है क्योंकि होता ही है कि हम कभी भी जब भी टाइम लगे तब पी लेते, कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि 5 बजे पीना है या 3 बजे पीना है, जब लगता है मन करता। आज जल्दी लेट गए थे और थोड़ा बहुत सो लिया था तो बस सो के उठे तो पी लिया। हुआ ये कि हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, लंच में आते हैं खाना खाने और अयास टीवी देख रहे हैं और बस हम आप लोग से बात कर रहे हैं, तो बस कॉफ़ी पी के आए हैं। और हुआ ये कि हम लोग कल मार्केट गए थे, आप लोग ने देखा अभी कि हमें हस्बैंड ने मोबाइल गिफ्ट किया, तो हो ये रहा था कि कौन सा लिया जाए कौन सा नहीं लिया जाए, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। बच्चे कहते थे कोई सा ये लीजिए वो लीजिए, काफ़ी सर्च किया उसके बाद ही लिया कि सबसे अच्छा तो फिर इससे अच्छा बस ये लिया जाए कि सैमसंग सही है, तो बस फिर सैमसंग ही लिया। चल रहा था ये 10-12 दिन से कि, लेकिन फिर बैठ जाते थे समझ नहीं आता था, फिर फाइनल यही किया कि चले सैमसंग ले लेते हैं। तो बस कल फिर मार्केट गए थे तो फिर वहाँ से फिर लेके आए हम लोग और अच्छा है काफ़ी। बस ये लो कितना लग गया है, असली मम्मी ने बोला ना तुम्हें कि जाओ बेटा खेल के आ जाओ, सारे बच्चे खेल रहे थे नीचे तो हमने कहा चले थोड़ा सा अच्छा लगेगा शाम के टाइम, तो ये पूरा गिर पड़ के चले आए। खैर अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा ऐसे हाथ पैर वगैरह ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो जाता तो वो ज़्यादा मुश्किल होती है। देखो वो हाथ पे भी लगा है क्या ये सब, ये देखो हाथ पे भी लग गया, काफ़ी लगा छीले जगह जगह छिल गया है वैसे घुटने में बेटा बहुत ज़्यादा हुआ। कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। और ये हाँ पेट में भी थोड़ा छिला गया ना उधर, ये लोअर भी फट गई दोनों तरफ के घुटने से है ना, नई लोअर है हाँ नई लोअर थे, कोई बात नहीं ये देखिए।
काफी जोर से गिरे हो बेटा खेलने में, फुटबॉल खेल रहे थे ना, फुटबॉल में सारे बच्चे। चलो ठीक हो जाएगा, पापा से करवा लो सफाई, इसमें ला दीजिए, साफ कर दीजिए डिटॉल वगैरह लगा के। हाँ 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 हाँ, गर्म करके पानी ना थोड़ा सा। हैं? हाँ जलन तो होगा, कुछ नहीं होता, साफ करने के बाद ही लगाएंगे ना। युजवेंद्र चहल कल दिखेंगे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स प्रबल दावेदार है प्लेऑफ्स के लिए। ऐसा लग रहा हम भेजते नहीं बेटा तो गिरते नहीं ना। घुटना अभी नहीं, मोड़ने वगैरह में देखना भी दर्द होगा। हम भी तो ऐसे गिरे थे बहुत बुरी तरह, हम तो गाड़ी से गिर गए थे। खैर धीरे से लगाइए। हाँ हाँ